हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम भटकते भटकते आ चुके हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो कि है प्रगति मैदान के पास। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, और वहां से आपको रिक्शा लेना पड़ेगा। कुछ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है अराउंड सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से, तो आप रिक्शा आराम से लेके 20-20 रुपीज़ शेयरिंग में भी आ सकते हैं यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, एक बात ये है कि यहाँ पे आने के लिए ना आपको ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक करनी पड़ेगी, उसकी लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और एक और बात कि आप यहाँ पर आ रहे हो पहले ही, तो 2 स्लॉट है यहाँ पे, एक सुबह 8:30 से 12:30 तक का है, और दूसरा है 12:30 से लेके 4 o'clock तक का है। दूसरा स्लॉट जो है वो है 12:30 से 4 o'clock का, तो आपको इसी 2 स्लॉट में आना है और प्री बुकिंग करके आना पड़ेगा दोस्तों। अब हम चल के आपको मिलेंगे आगे अंदर, देखते हैं कि कितने सारे जानवर हमको मिलते हैं देखने के लिए। तो भाई ये है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, यहाँ से एंट्री है, और यहाँ पे अगर लगेज जमा कराना है तो आप यहाँ पे करा सकते हो। यहाँ पे बच्चे पिकनिक पे आए हुए हैं। तो भाई ये एंट्री है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं, विकास भी लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है ब्रो। अरे भैया पीछे खड़े हो आप इसलिए नहीं लाता तेरे को भाई तो हम एंटर कर चुके हैं। हाँ, और उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ का जो प्राइस है 80 रुपीज़ पर पर्सन है दोस्तों। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। कभी हमारा भी वो दौर था, हम भी आते थे ऐसे, और जो मज़ा आती है ना, बचपना होता है दोस्तों, और स्कूल फ्रेंड्स के साथ अलग ही लेवल में मज़ा आता है टीचर्स के साथ। तो अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या हमको देखने के लिए मिलता है। तो फॉलो ब्रो, और ये देखो डिसिप्लिन मैटर करता है। तो दोस्तों हमको मिला है पहला शेर पूछ बंदर, लायन टेल्ड मैकाओ बोलते हैं इसको, किंगडम एनिमेलिया है ये, क्लास जो है मैमेलियन है इसकी। जो इसका जो साइज़ होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है 60-95 सेंटीमीटर तक, और वेट जो होता है 15-25 kg तक का होता है। और ये देख सकते हो आप, ये हमें पहला लाइव और एकदम नज़दीक से दिखा है। इससे पहले वो भी दिखा था वाटर वाला, वाटर बर्ड, बट लेकिन वो उतना नज़दीक नहीं दिखा जितना ये नज़दीक दिखा है। और ये हमको दिखा दूसरा, इसको बोलते हैं दोस्तों बबून, और ये भी मंकी कैटेगरी में ही आता है, और साइज़ में थोड़ा बड़ा है, बाल थोड़े ज़्यादा हैं, शक्ल तो इसकी लाइन जैसी लग रही है, और इसको बहुत ही सुंदर है, ये खूबसूरत प्राणी है। वो वाला काला था, ये गोरा है। ये मिला है, इसको बोलते हैं हॉग डियर दोस्तों। ये जो है ना, ये चीतल वालों प्रजाति का ही है, कैटेगरी का। और मेन जो है इसका एनिमल किंगडम वो तो सेम ही है, डरपोक भी बहुत होते हैं ना, चीतल भी होता है। हाँ ये भी होता होगा मे बी, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता है। डॉग नो डॉग डियर घूमते फिरते हैं हम देखने आते हैं। इसको बोलते हैं, यहाँ पर है ब्लैक बक्स, स्पॉटेड डियर, वैरायटी ऑफ डियर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सब मस्त एकदम रिलैक्स कर रहे हैं इधर बैठ के, किंगडम इनका भी है, एनिमेलिया ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे, डियर ही डियर, एवरीवेयर इज डियर। Oh my God, so many deer. अब हम चलेंगे दूसरे जानवर की और क्लोजर, ब्लैक बक का है, गोरा काला थोड़ा गोरा हो गया नीचे तो दोस्तों अब हमको मिला है गौर। ये जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय है दोस्तों, और इसकी जो सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। हाँ लेकिन देखने की क्षमता में थोड़ी कमज़ोर होती है। आप वो देख सकते हो वहाँ पे, वो चल रही है, वो तो सोई हुई है बेचारी, रेस्ट कर रही है। साइज में भी बहुत बड़ी है, साइज में भी बहुत बड़ी है दोस्तों। ये क्या है, गौर बोलते हैं, गौर, सींग भी अच्छी है इसकी, तगड़ी दोस्तों। तो ये है जंगली बिल्ली, मेरे पास भी है टुक टुक, बट ये है जंगली बिल्ली, सो रही है अभी, नज़दीक से देखते हैं इसको। ये है दोस्तों गीदड़, गोल्डन, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में पता नहीं, गीदड़, गोल्डन जैकल, ये है गीदड़।
और ये है दोस्तों राइनासोर, पानी में लेटा है, सनबाथ ले रहा है और सो रहा है मस्त आराम से रिलैक्स मोड में। तो दोस्तों ये है नीला पीला मकाओ और वो देख वहाँ पे भी दो है और उनका खाना रखा हुआ है मस्त एकदम। और दोस्तों ये है तोता गुड ब्रो और ये बोलने वाला ये देखो जाओ ये ऊपर भी है यहाँ पर भी है देख छुपा हुआ है काला मुर्गा ये रहता तो ये जाना पहचाना। तो दोस्तों ये देखो ये हमको देखने मिला है क्रोकोडाइल, आज तक सिर्फ टीवी में देखा था, ये रियलिटी में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम अपने आंखों से। ये भैया असली में भी है या फिर ऐसी असली है वे सो रहे हैं ये हिल भी नहीं रहे तो। हाँ तो ऐसे ही सोते होंगे ना ये ऐसे ही सोते हैं और ये ना 507 मीटर तक लंबे होते हैं पता है और ये 100 से 150 की जो मतलब उतने भारी होते हैं ये 100-150 किलो के। दोस्तों ये है जैगुआर, ये सो रहा है आराम कर रहा है दिन के समय में जैगुआर 150-200 केजी का तो भाई तो दोस्तों हमने देख लिए हैं बहुत सारे एनिमल्स, तो आप बताओ कौन कौन से अब तक हमने देख लिए। अभी हमने एक तो बंदर देखा दो बंदर देख लिए और मगरमच्छ देखा, क्रोकोडाइल, हाँ और क्या था? हमने पैरट देख लिया और डियर्स देख लिए बहुत सारे वैरायटी के। और अब मेरे पीछे आप देख सकते हो, आप जैसे कि आप ये रोड में आप घूमोगे ना दोस्तों तो बहुत सारे ना यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डायरेक्शंस कि आपको कहाँ पे क्या देखना है। अब हम जा रहे हैं इंडियन एलिफेंट देखने के लिए। वो रहा हाथी, हाथी बड़ा हाथी, चलो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। और ये रहा दोस्तों इंडियन एलिफेंट, पहला जानवर जो हमें खड़ा और जागा हुआ मिला है, वरना बाकी सारे हमें सोते हुए ही मिले। कितना बड़ा है, ओ माय गॉड, रियलिटी में बहुत बड़ा है यार, भारी भी बहुत होगा ये। कभी देखा आपने ये? पहली बार देख रहा हाथी? देखे तो बहुत है भाई, अगर आपको हल्द्वानी में आओगे ना, हल्द्वानी रामनगर में आपको एलिफेंट बहुत, तूने भी तो देखा हल्द्वानी में, रामनगर गए थे जब हम, वहाँ भी मिलते हैं। देखा था ये तो पास में बहुत ज्यादा। हाँ ये पास में मस्ती कर रहे हैं, खुजली कर रहा है, मस्ती नहीं खुजली। एक वहाँ पे भी है देख, वो रहा दूसरा, ये मूवी देखी आपने? हाँ चल 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 मेरे हाथी, हाथी मेरे साथी गजानना लॉर्ड गए। और यहाँ पे भीड़ लगते हुए हाथी को देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे हमें टाइगर दिखा, कहाँ पर है? कहाँ पर है टाइगर? वो रहा, वो केज के अंदर है, वो देख खुजली का जूम कर, वो दो वहाँ चले गए। बहुत बड़ा दिख रहा है, तो बड़े होते हैं, हमने तो नैनीताल में भी देखा था, बड़ा था वो, ज़्यादा नज़दीक था, ये बहुत दूर है। ये हमें मिला दोस्तों दूसरा जानवर जो कि चल रहा है, वरना बाकी सारे सोते हुए मिले हैं। अच्छा वैसे ये है ना लैंप, वीडियो डालो ना मैं। ये है ऑस्ट्रिच, इसका अंडा होता है सबसे बड़ा, तो बड़ा है रे रियलिटी में, इसको तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी में देखा है। देख लिया
ठीक है डिस्टेंस ज़्यादा है बट ये दौड़ते बहुत तेज है। ऑस्ट्रिच की रेस देखी है टीवी में? हाँ डिस्कवरी में ही दिखाया था ना वो ऑस्ट्रिच की रेस में। तगड़े दौड़ते थे, अंडा इनका बहुत बड़ा होता है। ये है एशियाई एशियाटिक लायन। तो भाई यहाँ पे लायन है और लायन वहाँ पे शेर, जंगल का शेर सो रहा है, सुस्ता रहा है मस्त एकदम। वो टायर वायर भी लगा रखे, खाना वाना खा के ना दोपहर का टाइम है, आराम कर रहा है शेर है बेटा, बब्बर शेर। तो भाई ये वाइट टाइगर दूर है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हमने देख लिया ऑस्ट्रिच, टाइगर, व्हाइट टाइगर, जैगुआर सब चीज़ और हाँ उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है जंगल सफारी। इसका जो चार्जेस है, जो लोग पैदल नहीं चल सकते ना अगर उन्हें गाड़ी के साथ जंगल सफारी करना है तो 70 रुपीज़ पर पर्सन इसका फेयर है दोस्तों। इसको आप अप्लाई कर सकते हो और डोल सकते हो, हम तो पैदल ही डोल लिए। तो फाइनली दोस्तों हम करते हैं इस ट्रिप को यहीं पर ख़त्म, समाप्त, एंड, क्योंकि हमने देख लिए बहुत सारे जानवर यहाँ पर। देखो वैरायटी तो बहुत है एनिमल्स की यहाँ पर, और प्राइस भी सही है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 80 रुपीज़ है। और अगर आप खुद पैदल चल के घूम सकते हो तो आपको 70 रुपीज़ आपका वो सफारी का बच जाएगा। और हाँ, लेकिन मैं पर्सनल रिकमेंडेशन ये दूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा दूर दिखते हैं और सोएंगे तो कभी नहीं भी दिखेंगे अगर सोए हुए मिलेंगे। अगर यहाँ पे आना भी तो सुबह के टाइम आना, जो सुबह वाला स्लॉट है ना 8 से 12:30 तक का जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें आओगे तो मे बी शायद एनिमल्स थोड़ा ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे, बट उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ बट लेकिन आप रियल में यहाँ पर ही आओ अगर तुम्हें मज़ा लेना है जानवरों का, तो क्योंकि वीडियोज़ में अलग बात होती है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से आप टाइम अच्छा क्वालिटी स्पेंड कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिल जाए। तो बाय बाय दोस्तों, से बाय।